नवरात्रि के सातवें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि रूप को पूजा जाता है। इनकी पूजा शुभ और फलदायी होने के कारण इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। मान्यता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। माँ की भक्ति से दुष्टों का नाश होता है और ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी कालरात्रि का वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। इनके अंधकार के समान काले लंबे केश खुले और बिखरे रहते हैं। इनका शरीर का रंग भी काला है जो इन्हें और भी भयावह बनाता है। देवी कालरात्रि के तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान बड़े बड़े और गोल गोल हैं, जिनसे देवी अपने भक्तों के सभी दुखों का निदान करती हैं। साथ ही इनके गले में आकाशी विद्युत माला की तरह मौजूद है। माता के निचले बाएं हाथ में कटार है जिसे कि रक्त की बूंदें टपक रही हैं। साथ ही बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कांटा है। माता के दाहिने ओर के हाथों की बात करें तो ऊपर वाला हाथ वर देने की मुद्रा में है, जबकि निचला हाथ अभय मुद्रा में है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में असुरों ने हाहाकार मचा रखा था, इससे लोग बेहद परेशान थे, जिसके लिए सभी देवता गण माँ दुर्गा के पास गए। तभी भगवान शिव ने माँ दुर्गा से सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। तब माँ दुर्गा ने अन्य रूप धारण कर असुर रक्त बीज का वध किया। माँ दुर्गा के इसी रूप को माँ कालरात्रि कहा गया है।